बच्चों नमः संस्कृताय। हम लोग कक्षा 7 में पढ़ रहे थे सर, ये लेसन 9 संकल्पों में हमने पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है वीर सुभाष। इसमें हमने आधा पढ़ा हुआ है और आधा भाग आज देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं। चैप्टर है वीर सुभाष, प्रकरण आपका प्रकरण वीर सुभाष। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि तस्य मनसि तु बाल्यकालात् एव, मतलब उनके मन में तो बाल्यकाल से ही आंग्ल शासका नाम प्रति घृणा आसीत्, आंग अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा थी। तो अब आगे देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स नामक आंग्ल शासक, कह रहे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के आंग्ल शासक माने अंग्रेजी शासक, यदा भारते अगच्छत, जब भारत आए, तदा तस्य विरोध स्वरूपेण, तदा माने तब, तस्य माने उनके, विरोध स्वरूपेण माने विरोध के स्वरूप में, विरोध स्वरूप महान जन सम्मर्द से, बहुत बड़ा जन समुदाय, बहुत बड़े जन समुदाय का नेतृत्व माने नेतृत्व सुभाष एव अकरोत् है, माने सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसका विरोध करने के लिए? एक आंग्ल शासक, उसका प्रिंस ऑफ वेल्स उसका नाम था, वो हमारे भारत आ रहा था, उस समय अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासन हमारे देश में चल रहा था, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने भारतीयों का एक समूह बनाया और उस समूह का स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं। सुभाष पराधीन भारतम स्वतंत्रम कार्यतुं कृतम संकल्प आसीत्, कह रहे हैं सुभाष चंद्र जी पराधीन भारत माने पराधीन भारत को स्वतंत्रम कार्यतुं माने स्वतंत्र करने के लिए कृत संकल्प है आसीत्, उन्होंने क्या किया, संकल्प किया, संकल्प लिया। और 1938 ईस्वी वर्ष से, और कह रहे हैं 1938 ईस्वी में सह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से दल के अध्यक्ष है निर्वाचित है, क्या निर्वाचित हुए, अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अप्रैल माह से 1939 ईस्वीय वर्ष से अप्रैल महीने में, और कह रहे हैं अप्रैल महीना था और 1939 सन था, इस ईस्वी में सह त्याग पत्र मतदात, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। किस चीज के लिए? ऊपर आपने पढ़ा कि वो एक अधिकारी थे, सह देश से एकताया कृते, वह देश की एकता के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नाम इत्यस्य दलस्य स्थापना करो, माने इस प्रकार के इस नाम के एक दल का उन्होंने दल की स्थापना किया। और तस्मिन एव वर्षे, और उसी ही वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सुभाष आंग्ल शासका नाम विरुद्धम, सुभाष चंद्र जी आंग्ल शासकों के विरुद्ध युद्धस्य पक्षधर आसी, युद्ध के पक्षधर थे। आंग्ल शासका तम तस्य गृहे एव निरुद्धमान, और जो आंग अंग्रेजी शासक जो थे वो तम माने उसको तस्य गृहे एव माने उनके घर में ही निरुद्धवान माने क्या हुआ, घर में ही रोकना चाहे। और सुभाष विचारयत यत, और सुभाष चंद्र जी ने विचार किया कि देशस्य स्वतंत्रता यही है, देश की स्वतंत्रता के लिए देशस्य बहि गत्वा, देश से बाहर जाकर संघर्षम आवश्यकम माने संघर्ष करना चाहिए, उनको लगा कि देश से बाहर जाकर के इनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। अतः इसलिए सह शिशिर कुमार बोस सहायेन, वह शिशिर कुमार बोस की सहायता से काबुली पठानम
काफली पठान माने एक मुसलमान का पठान का भेष धारण करके स्वगृहतः वही निर्गच्छत, अपने घर से बाहर निकल गए और आरक्षक अदृश्यमान है, और जो आरक्षक थे सैनिक थे उनसे अदृश्य हो करके मतलब उनसे छिप छिप करके सह अफगानिस्तान देशम प्राप्त है, वह अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान तानतः माने कहे अफगानिस्तान जर्मनी जर्मन आत और क्या लिखा जर्मनी जापान देशम गतवान, मतलब इन इन देशों में वो गए, जर्मनी गए जापान गए अफगानिस्तान गए। और आगे लिखा यात्रा प्रसंग प्रसंगे तस्य, यात्रा के प्रसंग में तस्य मेलनम, कह रहे जब वो यात्रा मतलब अलग अलग देशों में यात्रा कर रहे थे उसी दौरान उनका मिलन हिटलर नामक शासकीय नभोत माने हिटलर से होता है। और सह बर्मा देशम आगत्य, और वहाँ से वह बर्मा देश में आकर के आजाद हिंद फौज इस नाम का एक सैनिकों का संगठन से नेतृत्व कृतवान माने एक संगठन बनाया और उसका नेतृत्व भी स्वयं करने लगे। तो बच्चों ये पाठ आज समाप्त नहीं होगा और पूरा पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा होगा, इसलिए यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमन संस्कृताय। चलिए ठीक है बच्चों, अब शेष भाग कल आप